महाराष्ट्र से राजस्थान लेकर जा रहे 145 रुई की गठान से भरे ट्रक क्रमांक MH18BG2996 के ड्राइवर मोहम्मद फरीद निवासी थाना चंद्रनगर इंदौर ने योजनाबद्ध तरीके से 51 रुई की गठाने ट्रक में से दूसरे ट्रक में डालकर कानवन के पास ट्रक असंतुलित होकर पुलिया से टकराने से वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग जाने की झूठी घटना का रूप दिया और इसकी सूचना कानवन पुलिस को स्वयं ट्रक ड्राइवर ने दी। कानवन पुलिस ने फरियादी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फरीद की सूचना के बाद प्रकरण दर्ज कर घटनास्थल का SDOP बदनावर शेर सिंह भूरिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी कानवन राम सिंह राठौर ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान घटना को संदिग्ध पाया जिसमें ड्राइवर की संलिप्तता पाई गई, जिस पर ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फरीद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फरीद ने अपने साथी समीर और फन्ना इब्राहिम निवासी जूना रिसाला इंदौर के साथ मिलकर योजना को मूर्त रूप दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 51 रुई की गठाने कीमत 14 लाख रुपए बरामद कर उक्त घटना में प्रयुक्त आयसर वाहन क्रमांक MP09GG20277 को जब्त किया। कानवन पुलिस ट्रक ड्राइवर के साथ आरोपी समीर की तलाश कर रही है। जी हाँ, ये दिनांक 3/8/2024 की घटना है। ट्रक चालक मोहम्मद फरीद देशी निवासी चंद्रनगर इंदौर द्वारा थाने में सूचना दी कि परतवाड़ा महाराष्ट्र से होटल की गठान है, ट्रक में भरकर भीलवाड़ा राजस्थान जा रहा था, तो रास्ते में कानवन और नागदा के पास में एक पुलिया पे ट्रक पकड़ाने से उसने आग लग गई और आग लगने से ट्रक और ट्रक में भरी कॉटन की गठाने जलकर नष्ट हो गई। इस प्रकरण में मौका मुआयना किया गया और मामले को गंभीरता से लिया गया। इसमें सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मनोज कुमार सिंह सर द्वारा बारीकी से जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में सीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय इंद्रजीत सर और SDOP सर श्री शेर सिंह भूरिया सर के निर्देशन मार्गदर्शन में बारीकी से जाँच की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करने पर आरोपी वाहन चालक से बारीकी से पूछताछ की गई, तो आरोपी चालक द्वारा जुर्म स्वीकार किया और बताया कि रास्ते में ट्रक में से कॉटन की गठाने निकाल कर ट्रक को पुलिया में टकरा कर और उसमें आग लगाना स्वीकार किया। आरोपी मोहम्मद फरीद पिता मोहम्मद सलीम कुरैशी निवासी इंदौर को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से जो कॉटन की गठाने निकाली गई थी उसमें से 51 कॉटन की गठाने जब्त की गई है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपये करीब है और जिस वाहन का उपयोग किया गया था वो आयशर वाहन भी इसमें जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी अभी फरार है, समीर उर्फ अन्ना निवासी इंदौर का रहने वाला है, उसकी तलाश की जा रही है और मामले की अभी गंभीरता से जांच की जा रही है। आपका नाम सर? निरीक्षक राम सिंह राठौर, थाना पटवारी कानवन।